कौशाम्बी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का एक साल कार्यकाल पूरा होने के बाद उठापटक का दौर शुरू हो गया, जहां एक दर्जन से अधिक सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्ट्रेट जा पहुंचे और अपना नोटिस डीएम के सामने प्रस्तुत किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने हस्ताक्षर फर्जी होने की बात कहते हुए डीएम के सामने आपत्ति जताई है। इस पर डीएम ने दोनों पक्षों को अपने सदस्यों के साथ 22 अगस्त को सीडीओ के सामने हस्ताक्षर मिलान के लिए प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है। बता दें कि कौशाम्बी जिले में 4 जुलाई 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी कल्पना सोनकर और सपा से विजमा दिवाकर ने चुनाव लड़ा, जहां भाजपा को 14 और सपा को 12 वोट मिले। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी कल्पना सोनकर सपा की विजमा देवी को 2 मतों से हराकर जिला पंचायत की मुखिया बनी थी। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, हमारे साथ 17 सदस्य हैं सर, और डीएम साहब ने आदेश दिया है मंडे को 22। अरे हमारे 20 सदस्य 26 सदस्यों में किसी के एक भी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ये तय कर लिया 26 सदस्य की अविश्वास डालने। आज जिला पंचायत अध्यक्षा के विरुद्ध कुछ जिला पंचायत के सदस्यों ने आकर के ये कहा कि उनके विरुद्ध वो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेना चाहते हैं और नोटिस की प्रतिलिपि भी उन्होंने यहाँ पर सबमिट की, पर साथ ही साथ दूसरा पक्ष जो कि जितेंद्र सोनकर जी आए थे और उनके द्वारा ये कहा गया कि जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी कराए गए हैं, तो इसी के क्रम में हस्ताक्षर को वेरीफाई करने के लिए दोनों पक्षों को कहा गया है कि आप अपने सदस्यों को यहाँ पर एक बार बुला लें और 22 तारीख को एक तिथि निर्धारित की है जिसमें एमए साहब इनके जो ओरिजिनल जीतने वाले प्रमाण पत्र हैं उसको लेकर के उपस्थित रहेंगे और साथ ही साथ सभी सदस्य जो हैं एक बार यहाँ पर स्वयं साइन करेंगे, जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि इनके द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें ये स्वहस्ताक्षरित हैं या नहीं।